Hey guys, how are you all? My name is Mukta Bheer, and in today's video, we are going to learn about a new topic of Rajasthan geography, which is population. आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान का population topic start कर रहे हैं. So without wasting time, let's start. Population. Guys, population जो topic है. Before we start population, do tell me when was India's population. I'll just write the topic's name first. So when was India's first census was taken up, right? Do tell me when was India's first census was taken up. I'll just write my question here. India's first census. Please bear with my writing for some time. Actually, I am also not used to this pen and all. So with time, it will improve definitely. So India's first census. Most of you will say that India's first census was taken up in 1872. Very well said. 1872 by whom? By Lord Mayo. But you must be aware of that this was the first census of India, but this was incomplete, right? ये complete नहीं था. This was incomplete and partial, right? फिर उसके बाद में India का जो first complete census है, India's first complete census जो है, या फिर जिसे आप कहें systematic census जो है, वो कब आया था? India's first systematic census was taken up in 1881 by Lord Ripon, right? Lord Ripon. ये Lord Ripon वही हैं जिन्हें local self governance का जिन्हें father कहा जाता है. इन्होंने कई अच्छे काम किए थे, vernacular act वगैरह repeal किया था. तो ये वही Lord Ripon है जिनकी बात चल रही है, ठीक है? 1881 में इनके टाइम में फर्स्ट कंप्लीट और सिस्टमैटिक सेंसस आया था. इनफैक्ट डू रिमेम्बर 1931 का जो सेंसस था दिस सेंसस वाज अ कास्ट बेस्ड सेंसस. और इनफैक्ट इस सेंसस का डेटा आज भी यूज किया जाता है. यस, इट इज यूज टुडे इन टुडेज टाइम आल्सो. इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हेल्ड हुआ था? डू टेल मी. इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड सेंसस हुआ था 1951 में. एंड दिस वॉज 9th क्यूमुलेटिव सेंसस ऑफ इंडिया. क्यूमुलेटिव ये इंडिपेंडेंट इंडिया का तो 1951 में जो सेंसस हुआ था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का तो पहला था, और क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए सो दिस वॉज द 9th सेंसस ऑफ इंडिया. क्लियर है? तो इसके अंदर हमने क्या चीजें देखी? वी हैव सीन दैट कि सबसे पहला जो सेंसस था, फर्स्ट सेंसस 1872 में बाय हूम? लॉर्ड मेयो. फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 के अंदर हुआ था बाय लॉर्ड रिपॉन. एंड 1931 वाला जो सेंसस था दिस वॉज कास्ट बेस्ड. इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर हम देखें तो वो हुआ था 1951 को, एंड इट वॉज 9th क्यूमुलेटिव जो सेंसस था. नेक्स्ट बात करते हैं आगे. सेंसस 2011 हम लोग पढ़ रहे हैं. इसका हमें स्लोगन पता होना चाहिए. वैसे तो बहुत ही इजी है, सबको पता है, बट कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, सो हमें पता होना चाहिए. इट्स स्लोगन इज आर सेंसस आर फ्यूचर. ये इसका स्लोगन था सेंसस 2011 का. इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? डू टेल मी. इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी? 121 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन थी. 121 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन. एंड दिस पॉपुलेशन वॉज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ये मैं पॉपुलेशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. सो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है, विच लिव्स ऑन 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया. इंडिया का जो सरफेस एरिया है अगर हम देखें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो 2.4% है. उस पर पॉपुलेशन कितनी रहती है पूरे वर्ल्ड की? 17.5%, है ना? तो आप सोच ही लीजिए कि इंडिया कितनी पॉपुलस कंट्री है. तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ये हम 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. फॉर योर नॉलेज अगर 2020 में देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है
somewhere around 138 crore, to be precise 137 point something, 138 के करोड़ के करीब है 2020 में. ठीक है, ये बात हुई इंडिया की पॉपुलेशन की. सेंसस 2011 के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं. दिस वॉज द फर्स्ट एवर, ये जो सेंसस था दिस वॉज द फर्स्ट एवर ज्वाइंट सेंसस, राइट. This was the first ever joint census of India and Bangladesh along their border area. India and Bangladesh. India and Bangladesh ka pehla joint census tha. Theek hai? And this was the first ever census. Ye pehla aisa census tha, census tha jiske andar transgender ko bhi count kiya gaya tha. To transgender jo hai, transgender was also counted in this census. काउंटेड इन दिस सेंसस. तो ये पहला ऐसा सेंसस था जिसके अंदर ट्रांसजेंडर भी काउंट हुए थे और ये ज्वाइंट सेंसस था इंडिया एंड बांग्लादेश का. अब अगर हम इंडिया की मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो कई बार देखो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, रूरल पॉपुलेशन आपसे पूछी जाती है और अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाती है. ठीक है, हम ये परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, परसेंटेज के टर्म्स में हम ये बात कर रहे हैं रूरल पॉपुलेशन. तो इंडिया जो है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंट जो है वो रूरल पॉपुलेशन है. अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 68.8% जो पॉपुलेशन है, 68.8% जो पार्ट है वो है रूरल पॉपुलेशन एंड 31.1% इज द अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, और यहीं पे ही हम राजस्थान का देख लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, तो यहीं पे राजस्थान का देख लेते हैं. राजस्थान का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है 2011 का बात करें, ठीक है ना, के सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है, राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 75.1% इज रूरल पॉपुलेशन एंड 24.8% इज द अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद में वन ही डिजिट मेंशन की है, इसके बाद में वैसे दो डिजिट हैं बट आप एक याद रख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही काफी है. ये क्वेश्चन 31.1% जो अर्बन पॉपुलेशन का है ये आरएएस के अंदर प्रीवियस ईयर आरएससी ये जो प्रीलिम्स है उसके अंदर पूछा जा चुका है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. अर्बन पॉपुलेशन हो गया, ये हमने पॉपुलेशन की बात कर ली. देन उसके बाद में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए, इंडिया की सबसे पॉपुलस जो स्टेट है वो कौन सा है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस कौन से स्टेट की है. ऑब्वियसली सबको पता है यूपी की है, लगभग कितनी है 19 करोड़, ये कब की 2011 की, और अभी कितनी होगी 2020 में है लगभग इसकी 23 करोड़ के करीब. ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन. इनफैक्ट इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, इंडिया की हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 5 स्टेट्स के अंदर रहती है. इंडिया की दैट लिव्स इन 5 स्टेट्स. अब ये 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये यहाँ पे देख लो. 5 स्टेट्स में आ जाते हैं यूपी, महाराष्ट्र को मैंने एमएच लिखा है आप देख लीजिएगा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड एमपी. क्लियर है यहां तक क्लियर है. इसके बाद में हम आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में. राजस्थान का कुछ डेटा देख लेते हैं आप, उसका तो हमने बात कर ली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो राजस्थान में देखो जैसे क्या होता है, हर जगह पे एक एरा ऑफ लो ग्रोथ, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो एरा ऑफ लो ग्रोथ था, मीडियम ग्रोथ, हाई जो हायर ग्रोथ है उसका एरा. राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में जो एरा ऑफ लो ग्रोथ है वो कौन सा पीरियड है, तो एक बार देख लेते हैं. एरा ऑफ लो ग्रोथ जो है, सबसे कम ग्रोथ हुई थी राजस्थान के अंदर 1901 से 1931 का जो टाइम था. एरा ऑफ मीडियम ग्रोथ का जो एरा है दैट इज 1931 टू 1951. ठीक है, और हायर ग्रोथ ये जो है ये है 1951 से 2011, राइट. अगर हम राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करते हैं, राजस्थान की पॉपुलेशन तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, 6.85 करोड़,
6.85 करोड़, ये हम सभी को पता है क्योंकि इतना सा फिगर है इसलिए हम सबको याद है, 6.85 करोड़ राजस्थान की पॉपुलेशन है। बट माइंडेड एग्जाम के अंदर आपसे एब्सोल्यूट फिगर भी पूछा जाता है, तो एब्सोल्यूट फिगर में अगर देखा जाए तो 685 48 437, ठीक है, ये है राजस्थान की पॉपुलेशन इन अ एब्सोल्यूट नंबर अगर देखा जाए तो। मैं इसे यहाँ पे रब कर देती हूँ, अदरवाइज आप बाय मिस्टेकली गलत याद रख लेंगे। तो 685 48 437, आप अगर इसे चाहें तो याद कैसे रखेंगे, देखो याद करना इस फिगर को काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पूरा एब्सोल्यूट फिगर पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या करेंगे, ये आपको स्टार्टिंग की तीन चार नंबर तो सेम देंगे, मतलब जो एग्जैक्ट सही है वो सभी में होंगे, पीछे के जो एक दो डिजिट्स हैं उसी के अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको। तो अगर आप इसे 6 करोड़ 85 लाख इस तरीके से याद रखेंगे तो इट वुड बी वे डिफिकल्ट फॉर यू। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, मोबाइल नंबर तो हमें बड़े लोगों के याद रहते हैं ना, तो उसकी तरह याद रख सकते हैं, यानी कि 2-2 के डिजिट्स में या 3-3 के डिजिट्स में आप इसे याद रख सकते हैं, 685 48 437 इस तरीके से मैंने इसे ध्यान रखा है। अब ये जो 6.85 करोड़ जो पॉपुलेशन है राजस्थान की, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, दिस इज 5.6% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का ये 5.6% है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे चले आप। अब देखते हैं राजस्थान का डेकेडल ग्रोथ, राजस्थान का हाईएस्ट एवर डेकेडल ग्रोथ कब रहा, हाईएस्ट एवर डेकेडल ग्रोथ, राजस्थान का हाईएस्ट एवर डेकेडल ग्रोथ जो है वो कौन सा पीरियड था, दैट वाज 1971 to 1981 का जो पीरियड था, दिस वॉज द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ राजस्थान, और कितनी थी इसके अंदर ग्रोथ रेट, 32.9%, दिस 32.9% वॉज द, और मतलब ये तो प्रिसाइज फिगर है, वैसे आप 33% ध्यान रख सकते हैं, बट हियर आई वुड से कि डेकेडल ग्रोथ में जनरली क्या होता है, वो डेकेड आपसे पूछते हैं, इसमें परसेंटेज इतना ज्यादा, ये जो इसका है कितना परसेंट हुआ था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना कि ये डेकेड इंपॉर्टेंट है, दिस डेकेड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो डू रिमेंबर इट, ओके। राजस्थान का अगर हम राजस्थान की ग्रोथ रेट देखें तो उसके अंदर लास्ट डेकेड से ग्रोथ रेट के अंदर फॉल आया है या फिर इंक्रीज हुई है, क्या चीज है, तो वो देखते हैं। राजस्थान की ग्रोथ रेट 2001 के अंदर राजस्थान की जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 28.3%, राइट, 2011 के अंदर कितनी, 21.3%, तो क्या हुआ, ये फॉल आया, कितने का फॉल आया, 7.1%, लगभग 7% के करीब इसमें फॉल आया है, ठीक है। तो राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है वो प्रीवियस डेकेड के अकॉर्डिंगली फॉल हुई है, और वो भी 7% के करीब फॉल हुई है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा, जैसे कि राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद हाई पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन, अब इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएंगी एंड देन दे विल आस्क यू टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, कि भाई कौन सी हाईएस्ट है कौन सी लोएस्ट, ये भी पूछा, तो आपको टॉप जो मतलब कि 4 है एटलीस्ट, आपको टॉप 4 जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो ध्यान रखना है, और जो बॉटम 4 है यानी कि जो लोएस्ट पॉपुलेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले नाम आता है जयपुर का, राइट, जयपुर का नाम सबसे पहले आता है, जयपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, भाई कैपिटल है, पॉपुलेशन तो होगी, है ना। फिर उसके बाद में आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अलवर की, देन उसके बाद में नागौर, ये सब हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है ना,
जयपुर की सबसे ज्यादा, फिर जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की, इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन को देखें तो लोएस्ट पॉपुलेशन में सबसे लो किसकी है, ये सभी को पता है, जैसलमेर में सबसे कम पॉपुलेशन है ना। जैसलमेर के बाद में कहाँ पे कम है, प्रतापगढ़ के बाद में कम कहाँ पर है, सिरोही, देन कम्स बूंदी, राइट, फिर आ जाता है बूंदी। अब इसे याद कैसे रखोगे, ऐसे कुछ ट्रिक से याद रख सकते हो कि जो जयपुर वाली ये जो है इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जयपुर जय जान, जयपुर जे से हो गया जोधपुर, ए से हो गया अलवर, एन से हो गया नागौर, तो जय जान इसकी ट्रिक हो गई। और अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन को देखें तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई जैसलमेर में सबसे कम पॉपुलेशन है ना, तो जैसलमेर में सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर भी जैसलमेर में पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो JPSB हो गया, जैसे जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। अरे भाई इतना भी छोटा नहीं है, इतने भी कम पॉपुलेशन नहीं है कि वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक ना हो, जस्ट PSB से वही ट्रिक बन रही थी, तो इस वजह से मैंने बता दिया। जैसलमेर के अंदर छोटा है बट फिर भी जैसलमेर में क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, बी से बूंदी। अगर इससे कोई ज्यादा बेटर ट्रिक है आपके पास में, देन आप उससे याद कर लीजिए, एंड डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी उसे याद कर सके। सो दिस इज अबाउट पॉपुलेशन। इससे आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।